मोदी ने भी कहा हिंदू धर्म धर्म नहीं है। और अभी एक दो महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद पूजा कह देते हैं हिंदू धर्म धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में पार्टी नेताओं को विवादित बयान देने से बचने की नसीहत दी है। उनकी चेतावनियों के बावजूद सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने हिंदू धर्म को एक धोखा बताया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हिंदू धर्म एक धोखा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दो बार कह चुके हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है बल्कि ये जीने का एक तरीका है। प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि वहाँ कोई हिंदू धर्म नहीं है। जब ये लोग ऐसे बयान देते हैं तो भावनाएं आहत नहीं होती, लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य यही कहते हैं तो अशांति फैलती है। स्वामी प्रसाद के बयान पर छिड़े विवाद के बाद समाजवादी पार्टी ने खुद को इससे अलग कर लिया है। सपा नेता डिंपल यादव ने कहा कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है। एक दिन पहले ब्राह्मण महासमाज की एक बैठक हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तमाम बार खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा समाज के प्रति कुछ न कुछ टिप्पणी करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये स्वीकार किया, उन्हें रोका भी है कि समाज के प्रति इस तरीके से टीका टिप्पणी ठीक नहीं। क्या देरी नहीं हुई? शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी पार्टी के विचार नहीं हैं और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती। इससे पहले समाजवादी पार्टी कार्यालय पर रविवार को आयोजित हुई महापंचायत में अखिलेश यादव ने बिना किसी का नाम लिए पिछले दिनों राम और रामचरितमानस पर उनके पार्टी के नेतृत्व द्वारा दी गई टिप्पणी पर विरोध जताया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि ऐसी चीजों पर पार्टी अंकुश लगाएगी। साथ ही उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को नसीहत दी कि वह किसी भी धर्म और जाति को लेकर कोई टिप्पणी ना करें। ऐसा पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरह का विवादित बयान दिया है। इससे पहले भी वह हिंदू धर्म माँ लक्ष्मी और रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर चर्चा में आए थे। सपा नेता ने माता लक्ष्मी पर विवादित बयान देते हुए कहा था कि दुनिया में कहीं भी चार हाथ वाले बच्चे पैदा नहीं होते तो माता लक्ष्मी कैसे हो गई। इससे पहले उन्होंने हरदोई में कहा था कि जिसको तुम हिंदू राष्ट्र बोलते हो वो भारत राष्ट्र शापित है। ये भारत कभी ना हिंदू राष्ट्र था, ना है और ना ही रहेगा। इसलिए हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले देशद्रोही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा था कि रामचरितमानस में दलितों और महिलाओं का अपमान किया गया है। तुलसीदास ने ग्रंथ को अपनी खुशी के लिए लिखा था, करोड़ों लोग इसे नहीं पढ़ते हैं। इस ग्रंथ को बकवास बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ परिधि। कल फिर हाजिर होंगे दिन की बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।